सरकार के मंत्री के खिलाफ आम आदमी एफआईआर लेके घूम रहा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। सरकार के मंत्री के खिलाफ जिस त्वरित गति से एफआईआर दर्ज होती है, तुरंत प्रभाव से चूंकि क्या एमएलए की जांच सीआईडीसी भी करती है, सीआईडीसी में तुरंत फाइल जाती है, उसके जांच शुरू हो जाता है कि हम कह रहे हैं अधिकारी और नेता इसमें शामिल नहीं है पेपर लीक। तो जब अधिकारी और नेता शामिल नहीं है तो आरपीएससी से पेपर आउट कैसे हुआ? उस व्यक्ति को फंसाने के लिए इस तरीके के मुकदमे दर्ज करने का काम किया जा रहा है, जिसका हम सब लोग विरोध करेंगे और आने वाले समय में जनता के बीच में जाके भी अगर विरोध करना पड़े तो वो भी विरोध करने का काम करेंगे। अगर किसान सम्मेलन बुढ़ा जी ने किया और जिस तरीके की लोकप्रियता उसमें आप लोगों ने देखी होगी कि 50,000 से प्लस आदमी उस किसान सम्मेलन में थे, समय समय पर राजेंद्र बुढ़ा जी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाने के बारे में बयान देते रहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस को मजबूर नहीं कर सकता किसी, सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी में लेके जाता है, उसके भाई वहां मौजूद हैं, गांव के लोग वहां मौजूद हैं, गांव उसके सामने पैसे दिए गए हैं, पैसे मंत्री जी ने खुद अपनी जेब से दिए उस महिला को कि गरीब महिला बेचारी शादी किस तरीके से। बड़ा किसान सम्मेलन बुढ़ा जी ने किया और उसके बाद तुरंत प्रभाव से उनको घेरने की जिस तरीके से रणनीति अपनाई गई, ये गलत तरीका। एक दबंग आदमी जिसने दो बार हमारी सरकार की मदद की, 2008 में बीएसपी से जीत करके आए, हमारी सरकार को सुचारू चलाने के लिए जब हम 96 पे आगे थे, एक 6 एमएलए को मर्ज करा करके और हम 5 साल तक हमारी सरकार चलवाई। फिर 2018 में दोबारा बीएसपी से जीत के आए और जीत करके फिर हमारी सरकार को बचाने का काम किया और फिर 6 एमएलए कांग्रेस में मर्ज कराए। जो व्यक्ति खुद की ताकत के ऊपर एक बार खुद के भाई को एमएलए बनाया, दो बार खुद एमएलए बने, 4 में से 3 चुनाव जीते विधानसभा के बिना जाति के समीकरण के, बिना पार्टियों के, ऐसे मजबूत व्यक्ति को कौन कमजोर करने का काम कर रहा है, ये जांच का विषय। लेकिन सर आपकी बात से बात निकल के आई है कि एक बदमाश किस्म का जो व्यक्ति है ध्रुव सिंह, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट जैसे रिपोर्ट दर्ज भी हो गई, ना तो उसको जांच में रखा गया ना मंत्री महोदय से पूछा गया, तो इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती, किसका हाथ? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस तरीके से सरकार के मंत्री के खिलाफ आम आदमी एफआईआर लेके घूम रहा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। सरकार के मंत्री के खिलाफ जिस त्वरित गति से एफआईआर दर्ज होती है, तुरंत प्रभाव से चूंकि क्या एमएलए की जांच सीआईडीसी भी करती है, सीआईडीसी में तुरंत फाइल जाती है, उसमें जांच शुरू हो जाती है, तो निश्चित रूप से यह जांच का विषय है कि जो व्यक्ति फ्रॉड है, जिसने फ्रॉड किया है, जो 420 की जिसपे मुकदमे दर्ज है, जिसने एक महिला के साथ फ्रॉड किया है, उस व्यक्ति को कौन पनाह दे रहा है और कौन ऐसे व्यक्ति को फंसाना चाह रहा है जिसने अपनी ताकत से, जनता के प्यार से, जनता के दुलार से 3 बार विधानसभा चुनाव जीतने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, दुर्गा सिंह के बारे में पूरी जांच होनी चाहिए कि दुर्गा सिंह को जयपुर बुलाया जाता है, दुर्गा सिंह किन किन लोगों से जयपुर में मिलता है, उसकी टावर लोकेशन निकलवानी चाहिए ताकि पता चले दुर्गा सिंह किस समय किस व्यक्ति के पास गया, किसने उसको मैनेज करने की कोशिश की। आज राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, उसके मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे, उसके बारे में जांच नहीं बढ़ पा रही आगे कि जो व्यक्ति भाग गए उनको पकड़ा नहीं जा रहा। पायलट साहब ने एक बात उठाई कि हम कह रहे हैं अधिकारी और नेता इसमें शामिल नहीं है पेपर लीक। तो जब अधिकारी और नेता शामिल नहीं है तो आरपीएससी से पेपर आउट कैसे हुआ? इस ऑफिस में कोई सामान रखा है, जब तक ऑफिस का कोई कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होगा तो किस तरीके से वो सामान बाहर जा सकता, उस पर हम लोग जांच नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति सचिन पायलट के साथ खड़ा है, कौन व्यक्ति सचिन पायलट के साथ राजस्थान के कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहा है, कौन व्यक्ति सचिन पायलट जी के साथ राजस्थान में दौरे कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कांग्रेस को वापस सरकार बनाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग वापस कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं, उन लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके का बड़ा किसान सम्मेलन हुड्डा जी ने किया और उसके बाद तुरंत प्रभाव से उनको घेरने की जिस तरीके से रणनीति अपनाई गई, ये गलत परिपाटी। द्वेषतापूर्ण कार्रवाई निश्चित रूप से एक सरकार के मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है बिना जांच किए, उस व्यक्ति के द्वारा करवाई जाती है जिसका कोई खुद का था पता नहीं, इसके खिलाफ खुद के खिलाफ 420 के मुकदमे दर्ज है। सर आप गृह मंत्रालय पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं गृह मंत्रालय पे सवाल खड़ा करना चाह रहा हूँ कि जो गृह मंत्रालय पेपर माफिया को नहीं पकड़ पा रहा, भू माफिया को नहीं पकड़ पा रहा, और वो सरकार के एक संजीदा मंत्री जो अपनी ताकत के बल पे जनता के प्यार से, जनता के दुलार से
तीन बार विधायक बनकर के उदयपुर वाटी से, उस व्यक्ति को फंसाने के लिए इस तरीके के मुकदमे दर्ज करने के काम किया जा रहा है, जिसका हम सब लोग विरोध करेंगे। और आने वाले समय में जनता के बीच में जाके भी अगर विरोध करना पड़े तो वो भी विरोध करने का काम करेंगे अगर किसी के खिलाफ अन्याय हुआ। राजेंद्र गुड्डा, मैं हम सब लोग, अगर राजेंद्र गुड्डा के साथ अन्याय होता है तो उनकी अन्याय में हम सब लोग उनके साथ खड़े, क्योंकि वो जनता के साथ है। गरीब महिला है, उसका शोषण हुआ है। गरीब महिला 384,000 में किस तरीके से जोड़ती है गांव में। उसका सपना था कि उसके बेटियों की शादी हो, उस सब बेटियों की शादी के लिए उसने प्लॉट के लिए उसको पैसे दिए, वो व्यक्ति उस पैसे को खा जाता है। आज कोई गुहार लगाने किसी राज, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, मेरे पास कोई व्यक्ति गुहार लगाने आएगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। कौन जनप्रतिनिधि मदद करेगा इस तरीके से आगे? किसी के साथ अन्याय होगा तो अन्याय होने वाला व्यक्ति किसके पास जाएगा? वो संबंधित जनप्रतिनिधि के पास जाएगा। मेरे साथ उस व्यक्ति ने गलत किया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है, हम लोग उसकी अगर मदद कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को फंसाया जाता है, किडनैपिंग की जाती है। एक सरकार का मंत्री किडनैपिंग कर सकता है किसी की? सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी में लेके जाता है, उसके भाई वहां मौजूद हैं, गांव के लोग वहां मौजूद हैं, गांव उसके सामने पैसे दिए गए हैं, पैसे मंत्री जी ने खुद अपनी जेब से दिए उस महिला को, कि गरीब महिला बेचारी शादी। उस महिला ने अपना वीडियो भी जारी किया, आप सब लोगों ने, प्रेस वालों ने उस बात को सुना भी होगा कि उस महिला ने वीडियो जारी किया है कि राजेंद्र गुड्डा जी इसमें कोई गलती नहीं, इस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है मेरे साथ, इस बेचारे ने मेरी इज्जत बचाई है, मेरी बेटियों की शादी में पैसा दिया इस व्यक्ति ने। कौन करता है इस जमाने की राजनीति में आजकल? हम लोग गरीब की मदद करना चाहते हैं, गरीब की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति का परम उद्देश्य यही है कि हम आम आदमी की, गरीब व्यक्ति की सेवा करें। तो निश्चित रूप से उनके साथ ये गलत किया जा रहा है, इस गलत में हम सब लोग, मैं इसके विरोध में खड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो, हम राजेंद्र गुड्डा जी के साथ खड़े हैं कि उनके साथ अगर अन्याय होगा तो हम भी इस अन्याय को सहन नहीं करें। सर, आपको क्या लगता है कि ये प्रकरण क्यों हुआ होगा, इसमें क्या भूमिका सामने? मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से पिछले दिनों किसान सम्मेलन गुड्डा जी ने किया और जिस तरीके की लोकप्रियता उसमें आप लोगों ने देखी होगी कि 50,000 से प्लस आदमी उस किसान सम्मेलन में थे। समय समय पर राजेंद्र गुड्डा जी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाने के बारे में बयान देते रहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने के बारे में बयान देते रहते हैं। उससे जिन लोगों को तकलीफ है वही लोग ये चीज करना चाहते हैं। सर, साफ हो गई, सचिन पायलट के जो खेमे में विधायक है या कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यही तो बात? बिल्कुल निश्चित रूप से। आप देखिए सरकार के मंत्री के खिलाफ जितनी त्वरित गति से ये कार्रवाई हो रही है, जो अगर ऐसी कार्रवाई हम लोग भूमाफिया के खिलाफ करें, जो मर्डर हो रहे हैं उनमें करें, जो चोरी डकैती हो रही है उनमें करें, चोरियां नहीं पकड़ी जा रही 6-6 महीने से उनमें करनी चाहिए, पुलिस को उसमें लगाना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा चोरियां खुलें, मर्डर हो रहे हैं वो खुलें, जो क्राइम हो रहा है वो खुले, जो पेपर लीक हो रहे हैं वो, राजस्थान में जो लाखों युवाओं के साथ जो सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बंद होने चाहिए, उनमें नहीं लगा रहे हम पुलिस को। तो सर, इसी के साथ क्या सवाल है मेरा कि जैसे आप कह रहे हो कि गृह मंत्रालय अपने राजेंद्र यादव के पास में विधायक है कोटपुली और पिछले 50 दिनों से धरना चल रहा और आज भी महापड़ाव हुआ, जब उसमें इस तरीके से खुलासा नहीं हो रहा तो इसका मतलब पूरे राजस्थान में क्या स्थिति होगी, जैसे कि आप बता रहे हैं? मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँ गृह मंत्रालय को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जिस